जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख़ुश में आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष शुरू हो चुका है और नए साल पर सभी कैलेंडर चेंज करते हैं। जिनको जितनी भी समझ है उस हिसाब से कैलेंडर को टांग देते हैं कहीं भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप वास्तु के हिसाब से सही दिशा में कैलेंडर रखेंगे, टांगेंगे, उचित स्थान पर लगाएंगे, तो उसका आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी प्रगति में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो किस तरह से और किस दिशा में कैलेंडर लगाना चाहिए, चलिए जानते हैं। वास्तु के हिसाब से हर कार्य बड़े सही तरीके से किया जाए तो आपकी बहुत सी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले तो अभी तक आपने कैलेंडर नहीं चेंज किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि नव वर्ष में पुराने कैलेंडर को रखना यह प्रगति के अवसरों को कम करता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को तुरंत हटा देना चाहिए। नए साल में नया कैलेंडर लगाइए, जिससे नए साल में पुराने साल से भी ज़्यादा शुभ अवसरों की आपको प्राप्ति हो पाए। तो वास्तु के हिसाब से ही कैलेंडर लगाना चाहिए ताकि आपको उचित अवसर प्राप्त हो सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से क्या होता है? पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से प्रगति के आसार बढ़ते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं, जो लीडरशिप के देवता हैं। इस दिशा में कैलेंडर रखना जीवन में प्रगति लाता है। लाल रंग का, गुलाबी रंग का, इन दोनों में से किसी भी एक रंग का कागज़ जिसमें सूर्य देव की तस्वीर के साथ अन्य भी भगवान की तस्वीरें हों, तो ऐसा कैलेंडर आपको पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार कैलेंडर उत्तर, पश्चिम और पूर्वी दीवार पर ही लगाना चाहिए। इन दीवारों पर कभी भी हिंसक जानवरों की तस्वीरें या दुखी चेहरों जैसी तस्वीरें कभी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसी उदासीन तस्वीरें लगाएंगे तो आपके घर में भी नकारात्मकता का ही प्रवेश होगा। इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए हमेशा इस दिशा में भगवान की तस्वीर लगाएं, खुशनुमा चेहरों की तस्वीर लगाएं, या फिर राधे कृष्ण, कृष्ण जी और मोर की आप तस्वीर लगा सकते हैं। मोर पंख आप लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा ये आप सभी के लिए। फिर इसके बाद उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। इस दिशा में पेड़ पौधों जैसे फव्वारे, नदी, समुद्र, झरने, विवाह आदि की तस्वीर वाले कैलेंडर लगाना बेहद शुभ होता है। तो जब भी लगाएं इसी प्रकार के कैलेंडर आप उत्तर दिशा में लगाइए। कैलेंडर पर ग्रीन या सफ़ेद रंग का उपयोग वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर इसके बाद पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से रुके हुए बहुत से ऐसे कार्य जो आपके बहुत समय से रुके पड़े हों, जल्द से जल्द आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। काम करने की क्षमता बढ़ती है। पश्चिम दिशा का जो कोना उत्तर की ओर हो, उस कोने की ओर ही कैलेंडर लगाना चाहिए। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं, घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहे, सभी परिवार वालों का आपस में प्यार बना रहे, अगर ऐसी स्थिति चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में ही कैलेंडर लगाना आप सभी के लिए उचित रहेगा। कैलेंडर कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये भी बहुत ही गहन विचार करने वाली बात है। कैलेंडर घर की दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में घड़ी और कैलेंडर दोनों ही समय के, टाइम के सूचक हैं। दक्षिण ठहराव की दिशा है, यहाँ समय सूचक वस्तुओं को ना रखें, क्योंकि ये घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर को रोकता है। घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दक्षिण दिशा में ऐसे कैलेंडर कभी ना लगाएं जिन पर देवी देवताओं की तस्वीर हो, और साथ ही अलग से भी देवी देवताओं की तस्वीरें कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगानी चाहिए। आपको नुकसान के भागी बनना पड़ सकता है, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपने
मेन गेट के बाहर या मेन गेट के बिल्कुल सामने कैलेंडर लगाया है तो अभी इसे हटा दीजिए। देखिए, मेन गेट के सामने कैलेंडर के दरवाजे से गुजरने वाली ऊर्जा इससे प्रभावित होती है, साथ ही तेज हवा चलने से कैलेंडर हिलने से पेज उलट पुलट हो जाते हैं, जो कि घर में प्रवेश की गई नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देते हैं। इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमेशा कैलेंडर जब भी लगाएं, उस पर साधु संतों की, महापुरुषों की, देवी देवताओं की या कृष्ण जी की तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए, जो कि आपके घर से नकारात्मकता को दूर करके सदैव घर को ऊर्जावान बनाए रखे सकारात्मक ऊर्जा से। तो इस तरह अगर आप दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करके घर में कैलेंडर की सही दिशा चुनेंगे तो आपको इससे भरपूर लाभ मिलेंगे और आपका ये 2022 का ये साल बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुखमय बन सकता है। आपके जीवन में नई खुशियां आ सकती हैं, इसलिए दिशाओं का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए ताकि जो भी आप कार्य करें, जो भी आप वस्तु रखें, दिशाओं को देख कर रखें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत ही विशेष जानकारी है, ये सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और इससे निमित्त आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको अवश्य जवाब दिया जाएगा। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।